इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी फेयर जो बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट शो इन इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी फेयर। कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है और एग्जीबिशन के क्या क्या बेनिफिट्स है उसके हम बात करेंगे। आपको एग्जीबिशन में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, दिस इज अवर मेन रीजन। अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकती है इसके? वाओ सुपर। बिकॉज क्या है कि हमारी इंडिया में बहुत छोटी छोटी कंपनीज ऐसी है जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। ओके दैट इज देयर। एंड इनफैक्ट उनके पास ये सोर्सेज नहीं होते कि प्रोडक्ट को एक्चुअल मार्केट में कैसे प्लेस करें। बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्री ब्यूटी वाली बात करते हैं हम लोग, राइट? सबको अच्छा दिखना पसंद है। यस राइट। बड़ी बड़ी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करने वाली है एग्जीबिशन के अंदर, राइट? तो मैं जान सकता हूँ इफ कैन नेम द फ्यू उनको एट्रैक्टिव जो कंपनियां जो है क्या कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस या बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के साथ बेनिफिट्स के लिए अवेलेबल है। पर मैं आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से मेजोरिटी हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको चैलेंजेस क्या क्या आ रही है? ये शो एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप फिल करेगा एक्सपोर्टर के बीच में, बायर के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। वंडरफुल। हमारा ये शो पूरे तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है कि हाउ टू एक्सपोर्ट, कैसे एक्सपोर्ट कर, ओह यानी पूरी की पूरी एग्जीबिशन की कॉस्ट यूमेंट से आप एक तरीके से जो एग्जीबिशन का स्टॉल है वो 100% फ्री है। वाओ सुपर। बेसिकली जो ये इंडस्ट्री है दैट इज अ काइंड ऑफ अ ग्लैमर इंडस्ट्री। ट्रू ट्रू। और आज के टाइम में आपकी एज कितनी भी हो जाए लेकिन आप अच्छा दिखना चाहते हैं। इंडिया से 250 से ज़्यादा एग्जीबिटर रहेंगे बेसिकली। एग्जीबिटर्स के साथ वो बिजनेस टाइप कर सकें और उनको एक म्यूचुअल बिजनेस बेनिफिट मिल सके। कोई लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहे हमारे?